किसकी सरकार चाह रहे हैं आप, कौन करेगा, योगी जी नहीं कर रहे हैं तब? अखिलेश यादव आ रहे हैं 2022 में, अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा भैया। आप कैसे कह सकते हैं कोई नहीं रोक पाएगा? हम कह रहे हैं भैया कोई नहीं रोकेगा कार में। आप खाली पंडित गुंडा वाला भैया, क्या मतलब? खाली पंडित गुंडा हैं, माफिया में पंडित हैं नहीं, सब जाते हैं। ठाकुर क्यों नहीं मरा रहे हैं? लोग कहते हैं अखिलेश यादव गुंडा हैं, गुंडा हैं वो, योगी क्या हैं? जब रुकी है माने तगन क्रिया हुई भैया, राशन मन मिलेला चावल मिलेला। कितना कितना राशन मिलेला? अरे 25 के मिलेला। हम पहुंच चुके हैं यहाँ बुढ़िया माता मंदिर स्थित मेले में, और यहाँ हम दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कोरोना के बाद क्या माहौल है यहाँ पे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गोरखपुर। कुछ बताएंगे जो है मेले में क्या क्या खासियत है, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मेरी गाड़ी सब चलती है। अच्छा, आपकी गाड़ी चलती है। मेले के बारे में और कुछ विशेषताओं के बारे में बताएं, क्या रोचक है मेले में? मेले में क्या, रोड पर 2-3 घंटा जाम, यही योगी जी सरकार में थी है, हैं? जाम की समस्या तो बनी हुई, हमने भी देखा, हमारी गाड़ी 2-3 खुद आधे घंटे फंसी थी। कोई पुलिस वाला नहीं था यहाँ पर? नहीं, पुलिस प्रशासन के लोग तो वहाँ आगे खड़े हैं, बाद में आए हैं 2-3 घंटा बाद, हम सुबह से यहाँ आए हैं। अच्छा, हाँ 2-3 चक्कर मार चुके हैं यहाँ पर। तो जो है योगी जी के काम से नहीं खुश हैं क्या? योगी जी तो माना जाता है कि धर्म के मामले में मंदिरों को लेके बड़ा जो है गंभीरता से काम करते हैं, और योगी जी कुछ नहीं कर रहे हैं भैया, जान लीजिए। योगी जी किसकी सरकार चाह रहे हैं आप, कौन करेगा, योगी जी नहीं कर रहे हैं तब? अखिलेश यादव आ रहे हैं 2022 में, अखिलेश यादव आ रहे हैं, कोई नहीं रोक पाएगा भैया। आप कैसे कह सकते हैं कोई नहीं रोक पाएगा? हम कह रहे हैं भैया कोई नहीं रोकेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं मतलब आप समाजवादी के समर्थक दिख रहे हैं हमको? नहीं भैया, देखिए कौन काम करेगा वही है सही। योगी जी का भी काम, लोग कह रहे हैं गोरखपुर को जो है बड़ा विकास किया योगी जी ने, गोरखपुर के लोगों के लिए, पूर्वांचल के लिए काफ़ी सौगात उन्होंने दी है, जो है गुंडागर्दी कम हो चुकी है सरकार में। आप खाली पंडित गुंडा वाला भैया, क्या मतलब? खाली पंडित गुंडा हैं, पंडित का नहीं, नहीं वो तो एक जात विशेष पे हम नहीं बोलेंगे, लेकिन मामला ये है कि गुंडों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है माफिया हैं, वो डर चुके हैं, आत्मसमर्पण करते हैं थाने में। माफिया में पंडित हैं नहीं, सब जाते हैं। ठाकुर क्यों नहीं मरा रहे हैं? कहे नहीं, अन्य भी जातियाँ जो जो गलत करेगा उसके ऊपर कार्रवाई तो की ही जा रही है। कितना मरा चुके हैं जोड़िए, बहुत लोग मराए, मरा चुके हैं तो गाड़ी पलट जा रही है हर जगह। गाड़ी पलटने का सेंस हम समझ सकते हैं आप कहाँ से कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है, तब सरकार कार्रवाई कर रही है। नहीं है भैया, हैं अखिलेश यादव, लोग कहते हैं अखिलेश यादव गुंडा हैं, गुंडा हैं वो, योगी क्या हैं? कौन है चीज़ का भी काला, कई दिन से दुकान पर आए हैं? डेढ़ दिन से बैठे। तो ये बतावा, कोरोना के बाद जौन बा मेला लगल बा ओमें कोनो कमाई धमाई ठीक ठाक होता कि नहीं? नहीं बाबू, कमाई धमाई कहाँ होता, देखा था ने। कितना जौन बा कमाई हो जाला दिन भर में? अरे 150 हो जाता, 200-400 तक हुआ ढेर बा। मतलब प्रभाव बा कोरोना जौन बा पड़ले के नाते, कहें कि अभीड़ियत जौन बा देखा थी, भीड़िया लगल है बा, वह बा भीड़िया तो बटल है रे बाबू। तो जब भीड़ बा तब कहना ही कमाई होता? जब रुकी है माने तगन बिक्रिया हुई। अच्छा, मना ही ना रुका थे। आइए कुछ और लोगों से बात करेंगे। पिछले साल कोरोना था, दुकानें बंद थी, मंदिरों पे ताला लटक चुका था, तो अब मंदिर खुला है, मेला भी लगा है, भीड़ भी हो रहा है, ये जानेंगे कि क्या कमाई हो रहा है आपका, क्या आपके धंधे में, आपके जो है जो भी आपका दुकान है उसमें क्या कमाई हो जाती है, आप लोग ठीक ठाक कमा ले रहे हैं कि नहीं? अरे भैया कमर कमे मानी, वो हर 3-4 महीना मानी दुकान बंद रहा है, अब मान ली यार कमाई बात, मानी लॉकडाउन से मनाई डरन क्यों मंदिर में भीड़ियों भर रहा है, वो तो मनाई डरन चढ़ावता नहीं बड़ा प्रसादी है, मानी 150 में मनाई रह जात बा। मतलब कोरोना लॉकडाउन के प्रभाव बाद दुकानदारी पे? अरे भैया बहुत प्रभाव बा। कहाँ कहाँ घर पड़ी आप? हमन करा यहीं है भैया। यहीं रह जाला कि रोज दुकान खोले आवे जाए पड़त? जैसे दुकान है मन का रोज बनो, ये समय तो बाणी सब है, आज जब नवरात्र बीत जाला तो मनाई रोज दिन बेचल अपने घरे चल जाला। अब परिवार में कई लोग बांटे हैं आपके? अब परिवार में हम 12 जन भैया बानी गए जने। 12 लोग आपके परिवार में हैं, तो मुख्य जो है कमाई का साधन का है, यह दुकान बा है कि मैंने कौन और बा? यह हम उनके गट्टा बोले मानी लेबराई लेके करना दुकान ही बा। बतावल जाता कि जो 150-200 कमाई होता, अब 12 लोग के परिवार ही बा,
कैसे परिवार चलाता है? अरे भैया अब तो जहाँ बहुत परेशानी थी हो तब मानी लॉकडाउन हो तो बहुत सांसत भैल है हमको। अच्छा ये बतावल जा कि ये सरकार में तो महंगाई आसमान छुअत बे, तो महंगाई के जौन बा का माहौल बा, का महंगाई के प्रभाव तो होबे करी, महंगाई के कुछ बतावल जा का स्थिति बा हो पे? अरे भैया महंगाई का स्थिति अब देखिए मोदी योगी लोग का कर रहे हैं, वह बढ़ात नहीं थी करतवाना लोग है, और गरीब माना यही परेशान बा कमाई खाते रह जाता हमें। राशन उसन मिला लगना है, मोदी जी कह रहे राशन 5 किलो जो है देते हैं भैया। राशन मन मिला ला चाउर मिला, कितना कितना राशन मिला ला? अरे 25 किलो मिला ला, 25 किलो परिवार मिला के, गोभी मानी 25 किलो मिल जाला। सरकार से आप खुश हैं? सरकार के तो मानी मोदी ने दिया बताना मानी सब जनता के महंगाइयो बढ़त बा।